दोस्तों, इंटरनेट के इस ज़माने में अगर आपके पास SBI का अकाउंट है तो SBI इंटरनेट बैंकिंग या फिर योनो SBI या फिर योनो SBI लाइट इस तरीके की ऐप का या फिर इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बिना अपने ब्रांच विजिट किए, मतलब आप ब्रांच जाए बिना ही कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही इंटरनेट बैंकिंग या फिर योनो SBI या फिर योनो SBI लाइट इस तरीके के ऐप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी आसान प्रोसेस है, तो इसको एकदम एंड तक देखिए, और चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो हमें अपने मोबाइल पर किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पर आना है और योनो SBI रजिस्ट्रेशन या फिर SBI ऑनलाइन लिख के सर्च करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो लिंक सबसे पहले आता है यहाँ पे देखिए, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, मैं इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इस पेज में आ सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब भी आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर, CIF नंबर, ब्रांच कोड, कंट्री, यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपके बैंक खाते में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको हम लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए फैसिलिटी रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप फुल ट्रांजैक्शन राइट्स सिलेक्ट कीजिए, और नीचे जो कैप्चा कोड है उसको आपको लिखना होगा। तो ये सारे डिटेल्स आपको अपने बैंक के पासबुक यानी कि बैंक के खाते में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के ये सारे चीज़ को फिलअप कीजिए सही तरीके से, यानी कि अकाउंट नंबर, CIF नंबर, ब्रांच कोड, ये सब आप फिलअप कीजिए सही तरीके से। तो ये सारे डेटा फिलअप करने के बाद देखिए, आप जब भी यहाँ पे कैप्चा कोड देखे, अब आई एग्री पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए, तो आपके यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP चला आएगा। तो सिंपली उस OTP को यहाँ पे आपको लिखना है देखिए, और लिखने के बाद देखिए कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यानी कि आपके अकाउंट में आपका सही मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए, तभी आप इसको अवेल कर पाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला है देखिए आई हैव माई ATM कार्ड, मतलब कि अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो था, आपके पास ATM कार्ड नहीं है, इसके लिए आपको ब्रांच में विजिट करना होगा, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो हम पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और उसके बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं कि आपका ATM कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा, आपको सिंपली देखिए यहाँ पे कन्फर्म ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। कन्फर्म ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ही देखिए यहाँ पे आपको अपना ATM कार्ड के ऊपर जो नाम, एक्सपायरी डेट, पिन दिया गया है वो पिन आपको लिखना होगा, मतलब कि ATM पिन, जो पैसा आप विड्रॉल करने के समय जो पिन आप देते हैं वो पिन देना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका ATM कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा है, वैलिडिटी एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, और जो आप पिन ATM में पैसा विड्रॉ के टाइम देते हैं वो पिन देना होगा। उसके बाद कैप्चा कोड देखिए, प्रोसीड पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे योर डेबिट कार्ड वैल्यूएशन इज सक्सेस, तो ये सक्सेसफुली आपका डेबिट कार्ड वैल्यूएशन हो गया है। अभी आपको यहाँ पे कुछ भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको एक नए पेज में लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको देखिए आपको यूज़र नेम यानी कि आपका जो इंटरनेट बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग या फिर जो योनो SBI का यूज़र नेम होगा, वो यूज़र नेम आपको यहाँ पर सेट करना होगा। यूज़र नेम में आपको स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते हैं, सिर्फ आप लेटर या फिर संख्या दे सकते हैं। तो संख्या और लेटर द्वारा आप यूज़र नेम तैयार करने के बाद देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ यूज़र नेम पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो देखिए यूज़र नेम इज़ अवेलेबल दिखा रहा है, अगर नहीं है तो आपको यूज़र नेम अलग से देना होगा, अलग चेंज करना होगा। तो जो यूज़र नेम अवेलेबल होगा उसको आपको रखना होगा, और रखने के बाद देखिए यहाँ पर आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कीजिए, फिर आपको लॉगिन पासवर्ड सेट करना होगा, यहाँ पर दो बार लिखना है, लॉगिन पासवर्ड 8 से 20 अंकों के ऊपर होगा, इसमें एक कम से कम कैपिटल लेटर होगा, एक स्मॉल लेटर होगा, एक स्पेशल कैरेक्टर होगा, एक नंबर होगा, इस तरीके से आपको पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड सेट करने के बाद देखिए जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि ये आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड ये आप नोट करके रखिए, इसके द्वारा ही आप इंटरनेट बैंकिंग में यूज़र ID और लॉगिन के द्वारा, पासवर्ड के द्वारा आप लॉगिन कर पाएंगे, और इसी यूज़र नेम पासवर्ड के द्वारा आप योनो SBI या फिर योनो SBI लाइट में भी लॉगिन कर पाएंगे।
तो ये एकदम आसान और ऑथेंटिकेट प्रोसेस है। मैंने खुद मेरा इंटरनेट बैंकिंग चालू करके इस प्रोसीड्योर से ही चालू किया, डायरेक्ट आपको दिखाया। तो ये काफ़ी रिलायबल प्रोसेस है, इसमें कोई भी डाउट की जगह नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। चैनल पर पहली बार तो ज़रूर सब्सक्राइब।